हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अप्रोच मैं हूं सुप्रिया आई होप आप काफी अच्छी होंगे और बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस का येस फाइनली हमने इसको स्टार्ट कर दिया एक्चुअली थोड़ी सी डिले हो गई आई एम सो सॉरी क्योंकि बुक अरेंज नहीं हो पा रहा था और मेरी आदत है लाइक पीडीएफ से मुझे दिक्कत होती है तो बुक रहता है तो काफी आराम रहता है पढ़ने में है ना तो देट्स वही थोड़ा सा अरेजमेंट प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा सा डिले हो गया बट कोई बात नहीं हम हाँ फटाफट ना चैप्टर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे और जैसे कि आपको आपने देखा भी होगा क्लास थर्ड का जैसे मैंने आपको प्रोवाइड करा है पूरी प्ले लिस्ट समरी की अलग से पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आपको डेमो की अलग से है ना दोनों आपको सेपरेट प्रोवाइडेड हो चुकी है नहीं मिली तो आप देख लीजिएगा आपको को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक नहीं देखा तो बाकी सारे देख ले बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वो आपके लिए ओके क्लास थर्ड कंप्लीटेड अब हम मूव कर रहे हैं क्लास नंबर फोर्थ पे ओके जिसका पहला चैप्टर है आपका गोइंग टू स्कूल आइए देखते हैं, है क्या गोइंग टू स्कूल तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैप्टर की समरी जानते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है ताकि इन केस आपको अगर इंटरव्यू डायरेक्टली चैप्टर खोल के रख देते हैं बोलते हैं आप बता सकते हो इसमें क्या दिया हुआ है क्या आप इस टॉपिक को पढ़ा सकते हो आपको नॉलेज है तो वो आपका सीधे सीधे एनसीआर का टेस्ट कर रहे हैं ना ओके ऑफ कोर्स जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो उसके लिए आपने एनसीआर तो पढ़ी होगी है ना वो ये मान के चलते हैं इसीलिए वो आपसे ऐसा बोलते हैं तो अगर नहीं पढ़ी आपने बहुत डीपली तो अब भी पढ़ लो आपको तो बहुत ही लगेगा ठीक है थीके? मैं खुद ट्राई करती हूँ कि मैं आपको फटाफट छोटे में समरी प्रोवाइड कर दूसरे क्वेश्चन आंसर को हम लोग स्किप करते हैं ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चे हैं तो हमें एक एक आंसर मैं आपको समझाऊँ तो एज अ टीचर मैं आपको बताती हूँ कि आपको हर एक चैप्टर का ओवरव्यू लाइक एक आइडिया होना चाहिए ओके, okay? so, आइए स्टार्ट करते हैं एंड ये मैं आपको बता ये आपके इंटरव्यू के साथ साथ अगर आप कहीं भी टीचिंग फील्ड में जा रहे हो जहां पे आपको पढ़ानी है बुक्स ऑफ ऑब्वियसली तब भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है है ना ऐसा नहीं कि बस इंटरव्यू पब्वसली हेल्पफुल है बट ये आपको ओवरऑल हेल्पफुल लगेगी अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में है तो ओके okay, चलिए स्टार्ट करते हैं सो so येस yes, सबसे पहला चैप्टर है गोइंग टू स्कूल अब इसको आपने सीटेट में जरूर पढ़ा होगा केवीएस एग्जाम में भी आपने जरूर पढ़ा होगा क्या है ये गोइंग टू स्कूल तो इस चैप्टर में प्रॉपरली क्या बातें की गई हैं कि अलग अलग स्टेट के बच्चे अलग अलग सबको सबको परेशानियां सबके पास सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है फिर भी बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उन्होंने अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ा और सबके लिए अलग अलग तरकीब सोची है अब आइए देखते हैं क्या है सबसे पहले यहाँ पे है कुछ चिल्ड्रेन से आइए मिलते हैं कि ये कैसे जाते हैं अपने स्कूल ओके ये आप देख रहे ये बच्चे कैसे जा रहे हैं एक हाथ में कॉपी किताब लिया है और एक हाथ से बाम्बू को पकड़ पकड़ के जा रहे हैं हां जी तो क्या ये ये होता है आपका बाम्बू ब्रिज क्योंकि कहाँ का सीम है सीन है यह है आपका आसान सॉरी आसाम का सीन है ठीक है असम में क्या होता है असम में बारिश बहुत ज्यादा होती है ओके तो ये वही का सीन आपको बताया गया अब आइए पढ़ते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों ने बोला कि इट रेन सो मच विल्स आफ्टर द रेन मैं आपको शॉर्ट पूरी बातें बता रही हूँ क्या बोल रहे हैं इन्होंने बोला कि आ, कभी कभी तो यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है जहां हम रहते हैं कि हमारे घुटनों गुटनो घुटनों तक पानी भर जाता है ओके okay, बट फिर भी हम स्कूल जाने से बिल्कुल नहीं रुकते हैं हम एक हाथ में अपनी बुक को लेते हैं एक हाथ में लेते हैं बाम्बू को और पकड़ के अब स्कूल जाते हैं ओके okay, हम फटाफट बाम्बू ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं बाम्बू एंड रोप ब्रिज बाबू मतलब बांस और रोप का आप रस्सी है ना उसके हेल्प से ब्रिज बनाई गई है उसको हम फटाफट क्रॉस करते हैं और हम अपने स्कूल पहुंच जाते हैं तो ये बच्चे अपने बारे में बातें बता रहे हैं पढ़ के आप समझ गए होंगे असम का था अब आगे मूव करते हैं अब यहाँ देखिए क्या है ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी टाइप का ट्राई करना है बच्चों को क्या है उनको कलेक्ट करने

लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट easy. अगर आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको easy लगने लगेगा जाहिर सी बात है ना जब आपकी बैलेंसिंग बन जाएगी जब पता चल जाएगा कैसे चलना है तब बच्चों को ईजी लगने लगेगा देन क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो वॉक करना है वो अः ब्रिज पे वो बेयर फुट मतलब नंगे पांव चलना ज्यादा सही है कि शूज या स्लिपर पहन के चलना सही है ओके तो बच्चे खुद ऑब्जर्व करेंगे कि शूज स्लिपर से क्या होता है थोड़ा सा फिसलने का वो होता है बट जब वो बेयर फुट वॉक करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे ओके आ मूव करते हैं अब आती है द ट्रॉली ये क्या है भाई ट्रॉली कहाँ की बात हो रही है ट्रॉली बात हो रही है लद्दाख की लद्दाख में क्या होता है देखिए यहाँ पे क्या हुआ यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि हमें हर रोज रिवर को क्रॉस करना पड़ता है द रिवर इज वाइड एंड डीप रिवर कैसा है बहुत ही चौड़ा है बहुत ही गहरा है तो भाई जाहिर सी बात है बच्चों को दिक्कत होगी देन देर इज अ स्ट्रोंग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर अब क्या है यहाँ पे एक आयरन रोप है अक्रॉस द रिवर जो की क्या करता है ऑन बोल साइड जो की टाइड है प्रॉपरली ट्री से पत्थरों से है ना चट्टानों से बंधा हुआ रहता है उसपे होता है देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड ट्रॉली क्या है देख रहे होंगे आप आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक ओपन बॉक्स होता है यहाँ पे ओके okay, वुड का बना होता है लकड़ी का बना होता है वो अटैच होता है विद अ रोप ओके okay, उसी रस्सी से अटैच होता है तो फोर या फाइव बच्चे इसमें इसमें बैठ सकते हैं एक बार में और वो जो पुली है वो हेल्प करता है ट्रॉली को ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं रिवर को क्रॉस कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम में तो ये बच्चों ने अपनी पूरी बातें बताई तो आपको इसको पढ़ के समझ में आया कि लद्दाख ऐसा है वहां पे कि बच्चों को कैसे जाना पड़ता है स्कूल ट्रॉली के थ्रू जाते हैं ओके चलो अभी मूव करते हैं Like this, अब देखिए ये बच्चों के एक्टिविटी है है क्यों पता है आपको जो अभी ना हमने पुली वाली बात की ना ट्रॉली वाली उसी को समझाने के लिए बच्चों के लिए बात की है कि क्या करना है आप आपको ये ऑब्जर्व करना है बच्चों और क्या करना है फर्स्ट और सेकंड पिक्चर आप ऑब्जर्व करोगे चिल्ड्रेन आप पुलिंग क्या कर रहे हैं भाई चिल्ड्रेन ना बकेट निकाल रहे वैसे है ना कुएं से बकेट कुएं से पानी कल बकेट निकाल रहा है बाहर क्या हुआ क्या आप बता सकते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप स्टूडेंट्स से देखेंगे तो एक में पे पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है पुली से निकल रहा है ना ऐसे ऐसे खींच रहा है एक में डायरेक्ट खींच रहा है है ना तो विच वु यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग जाहिर सी बात है पुली से जब आप कोई चीज खींचोगे तो इजिली आ जाएगा है ना तो बच्चों को आप यही चीज बताएंगे दैट्स वाई क्या होता था कि जो ट्रॉली लगी थी जिससे थ्रू बच्चे एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाते थे तो पुल की वजह से बहुत ईजिली चले जाते थे ठीक है तो ये यह यहां पे बेसिक आप बताना था इसलिए इसका एग्जाम्पल सेट हुआ है देन लुक अराउंड वेयर ऑल डू यू सी ओके द यूज ऑफ पुली अब आप सोचो कहा आपने पुली का यूज देखा है ओके देन लिस्ट देम अब आपको लिस्ट करना है जैसे आपने देखा भी होगा लिफ्ट वगैरह में भी ना पुली होती है कभी आप ध्यान दीजिए तो लिफ्ट में भी लगी रहती है पुली यहाँ भी लगी रहती है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे देन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ठीक है अलग अलग चीजों को उठाइए और जैसे कि पिक्चर में देखो ये गर्ल क्या कर रही है पुली बना लिया अभी उठा के देख रही है ओके तो आप बच्चे को बेसिकली ये बताएंगे कि, कि पुली के हेल्प से क्या होता है कि कम ताकत में आप फटाफट हैवी से हेवी सामान खींच लेते हो ये चीजें था तो उसी के हेल्प से आप बता रहे हो एप्लीकेशन बोट वाला सॉरी क्या था वो ट्रॉली वाला ओके

के बोट को ही मलयालम में वल्लम कहा जाता है सो इन पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज वल्लम सम वुडन बोट ओके ना स्मॉल होता है वुडन बोट होता है टू रीच स्कूल तो बच्चे ना इसके थ्रू स्कूल जाते हैं छोटा सा वुडन बोट होता है उसके थ्रू okay? ध्यान रखिएगा वल्लम उसे कहा जाता है अब आगे आते हैं हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट क्या आपने कोई और टाइप की भी बोट देखी है तो बच्चे अपने अपना बताएंगे कि हाँ जी मैंने देखा है स्टीमर है ना ऐसे ऐसे बहुत सारे बोर्ड जो होते हैं शिप्स होता है ओके ऐसे करके वो यहाँ पे डाल देंगे फिर आता है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वॉटर ये क्या आप कोई और वे सोच रहे हो हाँ जी शिप से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं स्टीमर होता है हमारे पास है ना बोट भी होते हैं बड़े बड़े तो ये यह सारी यहाँ पे बातें आ जा रही हैं फिर आते हैं कैमल कार्ड अब ये बात कहाँ हो रही है भाई राजस्थान राजस्थान में बच्चे कैसे जाएंगे आपको पता है राजस्थान कितना गर्म एरिया होता है है ना सो हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज टांगा आ, देखो अब यहाँ पे बातें हो रही देखो जैसे ना टांगा होता है टांगे में क्या होता है भाई भाई घोड़ा लगा रहता है तो वो उसको खींचता है सिमिलरली आप बच्चों को यहाँ बताओगे जैसे टांगे में ऐसा होता है ना जिसको बोलते हैं हम लोग हॉर्स कैरेज वैसे ही देखिए यहाँ भी है यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ हॉर्स की जगह कैमल वॉक करता है क्यों क्योंकि भाई कैमल जो है ना उसको बहुत ईजी होता है रेगिस्तान में वॉक करना डेजर्ट एरिया में वॉक कर लेते हैं उसके चौड़े चौड़े पावे होते हैं ना दिक्कत नहीं करता है ओके तो ये सारी बातें आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है अः ये क्या आपको अपने ऊपर बिठा लेते हैं तो हंज बिठा लेता है क्या आपको

के स्कूल जाते हैं है ना तो ये सारे यहां पे बच्चे अपना प्रॉपर बातें बताएंगे साथ साथ ये भी आप यहीं से थोड़े थोड़े कैमल का इंपॉर्टेंस भी भी बता सकते हो कि कैमल क्या होता है भाई कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ होता है तो ऐसे आप बता सकते हैं एक्सपीरियंस तो सारे क्वेश्चन बच्चों के लिए अब मूव करते हैं बुलक कार्ट ठीक है बुलक कार्ट क्या होता है बैलगाड़ी है जी तो बैलगाड़ी मोस्टली बच्चे कहां देखेंगे विलेजेस में देखेंगे फिर आप बताओगे भाई विलेजेस में भी कितने मजे आते हैं बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल बुलक कार बैठ के जाते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं वो भी देन वी राइड इन आवर बुलेट कार्ड गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड इफ इट इज टू सनी तो हम क्या करते हैं अगर रेन ही होता है सनी होता है तो आपने देखा सब लोग अपने अम्ब्रे अला का खोल लेते हैं तो ये चीजें हो गई ठीक है तो अब आप बच्चों को बता रहे हो अलग अलग जगह पे कैसे कैसे स्कूल जाया जाता है ओके okay? देन अब ये हमारे लिए भाई फॉर द टीचर टीचर्स नोट क्या है हाउ डू एनिमल फील वेन मेड टू पुल कार्ट यस अब आपको बच्चे को ये भी सेंसिटिविटी उनके अंदर डेवलप करनी है भाई कि जब कि जब आप एनिमल को कैसा फील होता होगा जब आप उन्हें यहाँ पे पुश कराते हो भाई देखो इतना हैवी लोड लेके वो भी चलते हैं आपको जो है इश्यू जो है ये डिस्कस करना चाहिए बच्चों के सामने द एनिमल है ना ताकि उन्हें समझ में है कि हाँ जी एनिमल साथ हमें बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए समझ में आया अब ऐसा नहीं उसे पीट पीट के चलवाए जा रहे हैं खिलाने पिलाने को नहीं देर तो ऐसा नहीं करना चाहिए केयर के साथ उसे चलाना चाहिए ठीक है देन डू यू हैव हाँ आपके क्या है रूफ है तो ये सारी बातें बच्चों के लिए है आगे आते हैं यस बाइसिकल अब देखो बाइसिकल पे बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है कि वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल एट फर्स्ट गर्ल्स जो थी पे स्कूल नहीं जाती थी बट क्योंकि स्कूल बहुत दूर था बट नाउ सात से आठ लड़कियों का जो ग्रुप है वो लोग इजिली साइकिल से सब लोग जाते हैं और डिफिकल्ट रूट पे भी चला के चले जाते हैं ठीक है कैसे जा रहे हैं भाई ग्रुपिंग में लड़के जा रही है पहले ना यहाँ के लोग स्कूल नहीं जा पाते तो ये सारी बातें बताई जा रही है तो ये हो गया ठीक है कैन यू राइड बाइसिकल अब बच्चों से क्वेश्चन हो रहे देख रहे हैं आप जैसे जो बातें दी ना उसी से बच्चों के एक्सपीरियंस फेस क्वेश्चंस सेट है क्या आप कैमल पे हो बैठे हो क्या आपने से साइकिल चलाई क्या आपने ये किया तो सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन है अब आगे आते हैं भाई चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल अब देखिए कुछ बच्चे तो जंगल को भी क्रॉस करके जाते हैं स्कूल कैसे देखो अब यहां बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं वी हैव टू गो थ्रू द थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल भाई हमें इतने घने जंगल से निकलना पड़ता है कब स्कूल जाने के लिए एट सम प्लेसेस बहुत थिक होता है दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू ओके कभी कभी तो इतना आप देखोग इतना थिक होता है कि सनलाइट भी पास नहीं कर पाता है ओके इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट है। भाई साहिड से बात है सुनसान जंगल होते हैं तो क्या होते हैं वहां बहुत साइलेंट भी होता है यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स भाई सही बात है आपको जंगल में क्या सुनाई देगा की other, की तो ये सारी करते हैं तो हर एरिया का अलग अलग सीन है देन क्या आप कभी ऐसा हुआ कि आपने एक जंगल देखा हो कोई ऐसा प्लेस देखा हो किया तो अपने नोटबुक में लिखे सारे बच्चों के लिए बर्ड्स का साउंड कैसा होता है आप कैसे उससे रिकोगनाइज करोगे बर्ड्स को सारी बातें अब आते हैं आगे नॉर्दर्न हिल्स ये भाई कहाँ की बात हो रही है मूविंग ऑन द स्नो अब ये ये बातें हो रही है कि हम इस स्नो पे चलते हैं है ना तो ये बातें हो रही है आई थिंक उत्तराखंड की बातें कहिए नो 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 उत्तराखंड का नहीं लग रहा है, मुझे ये ये तो लग रहा है मेरे को वहां का होगा आपका हिली एरिया नहीं हिली नहीं, नहीं स्नो वाले एरिया का लग रहा है जैसे देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्दर्न हिल्स है ना तो जो जो पहाड़ी वाला पूरा एरिया होता है जहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा गिरता है बर्फबारी होती है वहां का सीन है ये कि क्या होता है भाई हम कैसे जाते हैं स्कूल वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इन टू इट ओके वेन स्नो इज फ्रोजन वी मेले पैनफॉल अब यहाँ बच्चे क्या बता रहे हैं अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है मैं बहुत ध्यान से हाथ पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि भाई स्नो है बर्फ बर्फ ही बर्फ है तो क्या होता है कि जब स्नो बहुत सॉफ्ट हो जाती है जब बर्फ बहुत सॉफ्ट होती है तो इनका पैर डूबने लगता है उसमें है ना धसने लगते हैं तो क्या होता है और जब स्नो क्या होता है फ्रोजन हो जाते हैं तो ये लोग स्लिप भी हो जाते हैं तो ये लोग अपने अपनी तरफ प्रॉब्लम को बता रहे हैं आप देख रहे हो कैसे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के सब जा रहे हैं स्कूल ओके okay, चलिए अब आगे आते हैं यस अब पूछ रहे हैं क्या कभी भी बच्चों आपने इतना स्नो देखा तो अपने अपने बच्चे आंसर शेयर करेंगे यस मैंने फिल्म में देखा मैंने यहाँ देखा ओके अलग अलग जगह अब आते ये रहा उत्तराखंड का उत्तराखंड में क्या बता रहे हैं? कि बहुत ही पहाड़ी वाला रास्ता पूरा होता है ठीक है यहाँ पे क्या यहाँ पे पूरा रॉकी पाथ है मतलब पथरीला वाला पूरा पूरा जगह होता है पे पत्थर पत्थर इतने बड़े बड़े स्टोन्स रहते हैं तो क्या होता है विल लिव इन द माउंटेस अब यहां बच्चे बता रहे हैं कि भाई अब तो माउंटेन्स में रहते हैं द पाथ आर रॉकी एंड एंडवन मतलब वहां पे जो यहाँ पे जो पत्थर होते जो होता है वो बराबर नहीं होता है ना अन ईवन मतलब उल्टा सीधा सर्फेस होता है है ना चलने में कितनी दिक्कत होती है फिर भी द चिल्ड्रंस हु लिव इन द प्लेन विल फाइंड इट टू डिफिकल्ट ऑफकोर्स इसे अगर हमसे कह दिया जाए यहाँ चलने को तो हम बहुत धीरे धीरे सावधानी चलेंगे क्योंकि हमारी आदत है प्लेन सर्फेस चलने की बट ये बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं चलते चलते इन्हें हैबिट हो जाती है कि इन्हें आइडिया जाता है कि, कि कैसे हमें रॉकी पास पे चलना है बट वी कैन इजिली रे डाउन देखा यहां बच्चे बता रहे हैं कि बट हम इजिली चल लेते हैं क्योंकि भाई हमारी तो हैबिट हो चुकी है ना तो ये बच्चे अपने बारे में सारी बातें बता रहे हैं ठीक है अब आता है यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये भी बात कह रहा है नो मैटर वेदर देर इज अ डेंस फॉरेस्ट फार्म माउंटेन देखा अब ये पूरा पूरा कंक्लूजन है क्या बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वहां पर डेंस फॉरेस्ट है आपने देखा बच्चे फॉरेस्ट जा रहे थे स्कूल फार्म था ओके माउंटेन्स देखा आपको स्नो भी देखा ऑन द वे लेकिन उन्होंने अपने स्कूल को मैनेज किया स्कूल को पहुंचने तक समझ में आया तो यहाँ से आप बच्चे को बताएंगे कितना है है देखा आपने आपको तो इतनी इतनी फैसिलिटीज मिली है। फिर भी आप आप नहीं आते हो स्कूल उससे मम्मा रहने देते हैं छुट्टी करते ना करना चाहिए है ना देखो तो कैसे कैसे लोग आते हैं स्कूल है ना तो इतने सारे बच्चे बेचारे कितने डिफिकल्टीज फेस फेस करके आते हैं ओके फिर आ रहा है कि बच्चों आपको कौन सा मंथ बेस्ट लगता है स्कूल आने के लिए तो बच्चे अपना अपना आंसर देंगे कि की

क्लास में बच्चों को करवा सकते हो बहुत अच्छा टास्क है कहा जा रहा है कि पहले ना आप ग्राउंड में क्या डाल दो सॉफ्ट स्मूथ रोज पेटर्स डाल दीजिए ठीक है अब आप ना बच्चों को आप बोलोगे कि ऐसे सिचुएशन में वॉक करें देखिए उन्हें कैसा फील हो रहा है देन द ग्राउंड इज कवर्ड विथ ओके आप कुछ यहाँ पे बोल रहा है ग्राउंड में ना कांटे लगे हुए हैं पूरे पूरे वहाँ पे टॉल ग्रासेस ग्लासेस लगने निकले सोचो बच्चे कैसे ट्रैवल करके जाएंगे फिर क्या है एक ग्राउंड पे दिखाया जा रहा है कि स्नो ही स्नो है ओके ओके तो बच्चे को कहा जा रहा है 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 कि सोचो आपको करना है, आपको एक्ट एक्ट करना करना द वे यू विल वॉक इन सिचुएशन ठीक है आप कैसे वॉक करोगे डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम क्या आपको लग रहा है हर जगह डिफरेंस होगा तीनों के तीनों केसेस में डिफरेंस होगा ओके तो ये डिस्कस करना है बच्चों को आपस में देन क्या है फॉर द टीचर हमारे लिए है डिस्कस डिफरेंट मोड्स दैट चिल्ड्रेन यूज टू कम स्कूल ये आपको डिस्कस करना है कि बच्चे कैसे अलग अलग तरीके से स्कूल आते हैं हेल्प दम आइडेंटिफाई द पॉसिबल डेंजर्स एंड डिस्कस द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफकोर्स आपको ना बच्चों को सब कुछ बताना चाहिए कि क्या यहां पे -पे खतरे हैं और किस तरीके से आप अपनी सेफ्टी रख सकते हैं यू में डिस्कस विद देम एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ ट्रेवलिंग ऑफकोर्स आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको एनवायरमेंट वेज जो होता है ट्रेवलिंग का वो यूज वो यूज करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइकिल्स वगैरह जिससे पॉल्यूशन ना हो कहने का मतलब यहाँ पे है. अब कोई बच्चा है वो भैया कार से आता है, ना एकदम हाईफाई है तो ऐसा नहीं आप example, अगर, तो है आप यूज करिए कॉमन बस बुक तो तो हो जाए तो ये सारी चीजें आप ऐसे बच्चों को बता सकते हो आप थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली वाली चीजें यूज करो तो इन सब टाइप की चीजें अब आप देख भी रहोगे जितना बच्चों ने अपना सीनारियो बताया उसमें कहीं आपको पल्यूशन टाइप की चीजें दिखी ही नहीं होंगी ओके तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा अब आगे आते हैं अब क्या है आपका टॉक एंड शेयर अबाउट इट अब यहाँ पे ना आपको देखना है बच्चों के साथ शेयर करना है पे। okay, यहाँ पे ओके अब देखिए यहाँ पे बातें आ रही कि क्या आपके भी स्कूल में पनिशमेंट वगैरह दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इट इज मुझे लग रहा है कुछ पेजेस मिसिंग है जस्ट वेट अ अकेंड नो यहाँ पे नाइन लिखा है यहाँ पे टेन है ओके जस्ट वेट अ अकेंड मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कुछ पेजेस होने चाहिए थे मिसिंग लग रहे हैं मुझे नो hmm. प्रॉब्लम okay, no थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है ना इसमें ऐसा कुछ था मैं आपको दिखा देती हूँ बुक है अभी यहाँ पे देखिए ऐसा यहाँ पे शो किया गया था कि फ्रॉम चिल्ड्रंस पोयम ओके चिल्ड्रेस की एक पोयम दी गई थी जिसमें ऐसे लिखा था कि फेल्ड इन द टेस्ट अगर हो गए तो उन्हें थर्टी रूलर्स दिए जा रहे हैं मतलब मतलब पीटा जा रहा है कहने का कर तो मतलब लिए लिए ये ये क्या करना था इस बारे में बात करना था कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए दैट इज डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट स्कूल पहले पनिशमेंट बताया गया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में ना बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता था फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपको भी पनिशमेंट दिया जाता है आपके स्कूल में तो ये आपको ध्यान रखना है ये सिनेरियो आपको ना ये वाला जो कॉलम है ये वाला जो कॉलम है जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाला है ना जिसमें पता नहीं कि बुक में नहीं, know, मैं नो मैंने इसको एनसीआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया बट फिर भी पता नहीं क्यों नहीं है, है ना तो क्या हुआ यहाँ पे बोला गया दर्पज बिहाइंड गिविंग दिस कॉलम इज टू टोटली डिस डिस्करेज पनिशमेंट इन स्कूल ठीक है यहां पर डिस्करेज करना है बच्चों को पनिशमेंट लेके स्कूल का देन डिस्कस दिस इशू सेंसिटिटिवली इन द क्लास एनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन ठीक है बच्चों को आप समझाइए कि वो खुद भी डिसिप्लिन में रहे ताकि पनिशमेंट नौबत भी ना आए और पनिशमेंट को आप डिस्करेज करेंगे कि अच्छी चीज नहीं है ठीक है तो ये इश्यू जरूर आप डिस्कशन करें क्लास में बट इतनी पॉइंट्स आप पे कवर है पूरा चैप्टर आपका तैयार हो गया टेन पेजेस का है और जो मेरे पास बुक है उसमें भी टेन ही पेजेस की है बट आई डोंट नो पता नहीं क्यों ऐसे यहाँ पे दिख रहा है ओके okay. चलिए कोई बात नहीं आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा चैप्टर प्रॉपरली ओके सो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा समझ में आएगा अब इससे हम देख लेंगे एक बार डेमो आपको डेमो कैसे प्रेजेंटेशन देना है बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है गोइंग टू तो स्कूल कुछ जैसे स्पेशल नहीं बट क्योंकि मैं आपको हर चैप्टर के बारे में एक बार सबनी जरूर देती हूँ ताकि आपको चैप्टर जरूर पता हो स्टोरी क्या बस एक बार जान लीजिए दार सेट ओके बाकी जो आपको चैप्टर पसंद है जो आपको थीम पसंद है उसके अकॉर्डिंग अपना डेमो तैयार कर लो नो प्रॉब्लम बट अगर आपको रैंडम डेमो मिलता है तो आप उसके लिए भी तैयार होनी चाहिए ओके सो आई होप आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा वीडियो समझ में आए होगा थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग थैंक यू